आप सबके हित को देखते हुए मैंने आप सबसे एक बात छिपाई थी। जरासंध आज आप सब का अंत करने वाला था। दाऊ के विवाह पर आक्रमण करके वो सब का अंत करने वाला था। आज तक उसके 16 आक्रमणों से तो हम बच गए, क्योंकि वो आक्रमण नियम अनुसार युद्ध थे। किंतु आज का ये आक्रमण ये युद्ध नहीं था, ये चोरी छिपे दबे पा मथुरा पर आक्रमण कर मथुरा के हर एक व्यक्ति को जीवित जलाने की योजना थी। और ऐसे आकस्मिक आक्रमण का सामना करने के लिए हम सज्ज नहीं थे, इससे बचना हमारे लिए असंभव था। और केवल इसलिए मुझे इस प्रकार आप सबको यहां लाना पड़ा, मथुरा से दूर द्वारका के समक्ष। ये द्वारका, यही होगा आपका नया घर। मैं समझ गई थी कृष्ण कि तुम्हारी वाणी कितनी ही कठोर क्यों ना हो, किंतु उसके पीछे तुम्हारी निहित मंशा सभी के हितार्थी होगी। कृष्ण, मैं मानता हूं कि ये नगरी दिव्य है, भव्य है, किंतु यहां पर भी जरासंध आक्रमण कर सकता है। अवश्य कर सकता है, किंतु मैं आपको एक बात बता दूं कि ये द्वारका ये केवल भव्य और दिव्य ही नहीं है, ये अभेद्य है। और घर का क्या है, जहां अपने साथ हो वही घर बन जाता है। या आपके सारे अपने आपके साथ हैं, तो क्या यह द्वारका आपका घर नहीं हो सकता? तुमने कहा तो हम मान लें कि ये नगरी अवैध है। अपने हाथों से बनाया घर छोड़कर आए थे कृष्ण, जिनकी दीवारें और आंगन भावनाओं से निर्मित थी, ये तुमने उचित नहीं किया कृष्ण। कोई बात नहीं, मैं कहा कह रहा हूं, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। पहले आप इस द्वारका का परीक्षण कर लीजिए, तत्पश्चात स्वयं निश्चित कर लेना कि जो भी मैं कह रहा हूं वो सत्य है या नहीं। तो यदि हम सज्ज हैं तो आगे बढ़ें। नीति जी, आप सब इस स्थान का परीक्षण अच्छे से कर लीजिए। मैं द्वारका की प्रथम जनसभा में आप सभी की प्रतीक्षा करूंगा।
रुक्मिणी ये होगा आपका कक्ष। आपकी आवश्यकता की सारी संसाधनें यहां उपलब्ध करवा दी गई। ऐसा लगता है जैसे जैसे ये नगरी आपने मेरे लिए ही बनाई है, क्योंकि इसे तो मैंने अपने स्वप्न में देखा था। आपको मेरे स्वप्न के विषय में कैसे पता चला कृष्ण? मुझे आपके स्वप्न के विषय में कैसे पता चल सकता है? हो सकता है मेरे मन में भी ऐसा ही कुछ स्वप्न जागृत हुआ हो। चलो, एक स्वप्न तो साकार हुआ, जो हमारा है। पर कृष्ण, अब तो हम द्वारका भी आ गए। मेरे मन के भाव मैं पत्र में पहले ही प्रकट कर चुकी हूँ, किंतु आपके मन में मेरे लिए जो भाव है वो आप कब व्यक्त करेंगे? शीघ्र, तो उससे पूर्व एक महत्वपूर्ण कार्य है जो अभी बाकी है। आपको कुछ समय और प्रतीक्षा करनी होगी रुक्मिणी। मैं प्रतीक्षा करूंगी, केवल विश्वास ही नहीं, श्रद्धा है मुझे आप पे कृष्ण। और यदि आवश्यक हो तो मैं सारा जीवन आपकी प्रतीक्षा में व्यतीत करने के लिए सज्ज हूं। मैं आपके तरीके तो नहीं समझ पा रही हूं, किंतु इतना जानती हूं कि आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। नानाश्री, अक्रूर जी, समस्त मथुरा वासियों, आशा है आप सबने इस द्वारका का उचित निरीक्षण कर लिया होगा। कृष्ण, तीनों ओर से समुद्र से घिरी इस नगरी में रहकर अपनी रक्षा के लिए अब हमें केवल एक ही ओर से लड़ना होगा। सच में कृष्ण, ये नगरी अभेद्य है, तुमने सही कहा था। अभेद्य ही नहीं, ये नगरी तो अति सुंदर है। और ये जलजीव, इन्हें तो मैं पहली बार देख रही हूँ। सच में कृष्ण, ये तो बहुत ही अद्भुत और अप्रतिम है। युवराज कृष्ण, ये सत्य है कि ये स्थान अति सुंदर है, समृद्ध है। यहाँ बड़े बड़े भवन हैं, स्वर्ग जैसा उद्यान है, परंतु ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी मथुरा नहीं है। हम यहाँ नहीं बस सकते, हमें अपने परिश्रम से बने हुए घरों में बसना है, हमें मथुरा में रहना है। किंतु आपको सभी को ज्ञात है कि मथुरा राज्य में किस प्रकार का भयानक आक्रमण हो चुका है। हाँ, किंतु इसके पश्चात भी हमें अपने घरों में जाना है। हम अपने स्थान को छोड़कर इतने भी भव्य स्थान पर नहीं रह सकते। रक्षा कीजिए युवराज, रक्षा कीजिए। ये तो हमारे मथुरा राज्य का गुप्तचर है। जी महाराज, हम मथुरा में अंत तक रुके, सब देखा कैसे जरासंध और जरासंध की सेना ने हमारे घर, हमारे गांव और पूरी मथुरा में आग लगा दी। इस प्रकार की भयानक अग्नि कि एक जंतु भी शेष नहीं बचता। धन्यवाद युवराज कृष्ण कि आपने हमें पहले ही जरासंध की गतिविधियों पर नजर रखने को बोला था, जिसके कारण आज हम सब यहाँ
सपरिवार सुरक्षित व जीवित हैं। हमें क्षमा कर दीजिए युवराज कृष्ण, हम अपने घर और अपने स्थान के मोह में अंधे हो गए थे। आप अति बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ हैं, कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए। हम यहीं रहेंगे और द्वारिका हमारी नगरी होगी। हाँ युवराज, हाँ हम यहीं रहेंगे, द्वारिका हमारी नगरी होगी, हम यहीं रहेंगे,